जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। 6.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर ऑफ विस्कोसिटी 8.0 क्रॉस 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड with a terminal speed of 3.0 centimeter per hour, find the radius of particle. तो given data हम लिख लेंगे, density दी गई है, eta बताया गया, viscosity coefficient और terminal velocity बताई गई है, और terminal velocity centimeter per hour में बताई गई है, तो हम इसको convert कर लेंगे system international में, तो 3 लिख लिया, centimeter में convert करना है, तो 100 से divide कर दो, meter में convert करने के लिए centimeter को, आर को अगर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करो नीचे, तो इस तरह 3 को आप डिवाइड कर दोगे 100 से भी और 3600 से भी, तो इससे आंसर बना है हमारे पास 8.33 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। तो अब आप रेडियस आर मालूम कर सकते हैं, हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पता है कि वो होती है 2gr² रो ओवर 9 ईटा, तो यहाँ से आर स्केयर फाइंड कर लो, तो आर स्केयर को अलग कर लिया, बाकी सारी टर्म्स को अलग, ये 9 ईटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया VT से और 2G और रो जो है वो डिवाइड हो गया। अब वैल्यू पुट कर दें सिंपली, 8.33 क्रॉस 10⁻⁶ पुट कर दी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू 9 एज इट इज लिख दिया और ईटा की वैल्यू 8.0 क्रॉस 10⁻⁴ पुट कर दी और 2 लिख दिया, रो की जगह पे 1246 और जी की जगह पे 9.8 लिख दिया। ऐसे ही आर स्केयर हमारे पास अब ये बन गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया सिंपली, ये जो 10⁻⁶ और 10⁻⁴ है इनको अलग कर लिया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों को, ये बन गया, नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये बन गया। अब आपने क्या किया कि 10⁻⁶ और -4 ये 10⁻⁰ हो गया, ऊपर और नीचे वाले को डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया 0.024। और आपने स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि आर मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पर, तो 10⁻⁰ का स्क्वायर रूट अलग से ले लिया और 0.024 का अलग से ले लें, तो ये 10⁻⁵ बच गया और इसका स्केयर रूट जो है वो ये आ गया, तो इस तरह आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.56 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.2। वाटर फ्लोज थ्रू अ होस हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एट स्पीड of 1 meter per second, what should be diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second? तो कहता है कि इतनी स्पीड है उसकी V1 और V2 कहता है 21 meter per second होगी, V1 उसने बताया है 1 meter per second और V2 बताया है 21 meter per second, नोजल से ज्यादा स्पीड से निकलेगा, पाइप की अगली साइड जो है वो नोजल है और वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इस वजह से स्पीड बढ़ गई। अब कहता है डायामीटर जो पहले था ना पाइप का 1 सेंटीमीटर था D1, तो 1/100 किया तो 0.01 मीटर आ गया, कहता है नोजल का डायामीटर कितना होगा D2 ताकि स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड हो सके। तो फिर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सहारा ले लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है कि ए और वी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि A1V1 इक्वल होती है A2V2 के, और एरिया होता है पाई आर स्केयर, आप लिख लो पाई आर 1 स्केयर, ऐसे A2 को आप लिख लो पाई आर 2 स्केयर। अब R1 जो है, R होता है D/2, क्योंकि D बराबर होता है 2R के, R होता है डायमीटर का हाफ, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर D/2, अब D1/2 लिख लो, दोनों का स्केयर करोगे तो D1 का भी स्केयर हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ऐसे इधर D2 का स्केयर ओवर 4, 4 से 4 ने कैंसिल होना है, पाई से पाई ने कैंसिल होना है, D1 की वैल्यू पुट कर दो 0.01, इसका स्केयर हो गया, V1 जो है 1 है, D2 स्केयर और V2 की जगह 21, अब D2 स्केयर जो है वो अलग हो गया था, 21 को तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड किया आपके पास D2 स्केयर आ गया, अब दोनों साइड पे स्केयर रूट ले, स्केयर रूट लिया तो 10⁻⁶ का अलग स्केयर रूट लिया और 4.76 का अलग स्केयर रूट लिया,
तो ये 2.18 आ गया और इसका स्क्वायर रूट 10^-3 आ गया। तो इस तरह से हमने ये माइनस थ्री को हमने लिख लिया 1/1000 लिख लिया, तो 0.000218 मीटर बन गया। या आप सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो 0.21 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6.3 है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। अब 6.4 शामिल है, वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। क्लोज्ड पाइप सिस्टम में पानी फ्लो कर रहा है स्मूथली। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। उस वन पॉइंट को पे जो वेलोसिटी है उसको V1 कह लो, 3 मीटर पर सेकेंड। वाइल एट एन अदर पॉइंट 3.0 मीटर हायर द स्पीड इज 4.0 मीटर पर सेकेंड। V2 रख लो आप 4 मीटर पर सेकेंड। H1 आप 0 कह लो, आप इनिशियल हाइट 0 कह लो, और दूसरा पॉइंट जो है वो 3 मीटर ऊंचा है। पाइप जो है ऐसे टिल्टेड है जैसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन होती है, तो दूसरी साइड जो है वो 3 मीटर ऊंची है, तो H2 आप 3 मीटर रख लो। P1 जो है इनिशियली कहता है प्रेशर जो है ना 80 kPa है लोअर पॉइंट, तो 80 kPa के बना लो पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही बात, तो किलो की जगह पे 10^3 लिख लो, तो 80,000 हो गया पास्कल। डेंसिटी आपको पता है वाटर की 1000 ही होती है, 1000 kg/m³। तो अब प्रेशर कहता है कितना होगा हायर पॉइंट पे, जो सेकंड पॉइंट है उस पे प्रेशर कितना होगा P2, वो मालूम करना है। देखो आपको P1 बताया, रो बताया, H1 बताया, H2 बताया, V1 बताया है, V2 बताया है, तो अब P2 आप तो मालूम आप कर सकते हैं आसानी से। अब बर्नौली इक्वेशन का सहारा ले लो, बर्नौली इक्वेशन लिख दो, इन तीनों का जो सम है वो इन तीनों के सम के बराबर होगा, ये पोजीशन 1 पे है, 2 पे, तो पोजीशन सारी वैल्यू आप पुट कर दो, P1 की जगह पे 80,000, रो की जगह पे 1000, V1 की जगह पे 3, रो की जगह पे 1000, G की जगह पे 9.8, H1 की जगह पे 0, P2 की जगह पे हमने कुछ नहीं पुट करना क्योंकि ये मालूम करनी है हमने, रो की वैल्यू पुट कर दी, V2 की वैल्यू पुट कर दी, ऐसी रो जी और H2 हाइट जो है वो 3, सारी वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 229400 आया, इनको सॉल्व किया 4 × 4 = 16 आपके पास ये बन गया, और 1000 को 2 से डिवाइड किया तो 500, इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, ऐसे ही ये टर्म तो 0 हो गई और ये आ गया 3×3 = 9/500। इस तरह इनको फिर ऐड कर दिया तो 84500 बन गया, इक्वल टू आ गया P2 + 37400। इसको इधर ले गए माइनस कर दिया तो 4710 पास्कल आ गया। किलो पास्कल बनाना चाहते हैं तो आप बना लें 47.1 kPa। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, एन एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 m/s। 6.5 में हमें कहता है एन एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट व्हेन स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप विंग इज 450 m/s, द स्पीड ऑफ एयर बिलो विंग इज 410 m/s। अपर साइड पे स्पीड ज्यादा है 450 और लोअर साइड पे कम है। कहता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, प्रेशर का डिफरेंस क्या है। विंग जो है उसकी जो हाइट है ना, उसकी थिकनेस वो तो बहुत कम होती है, और जो प्लेन है वो बहुत हाइट पे जा रहा है, तो विंग की नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड से डिस्टेंस अगर नोट करें अर्थ का, तो वो डिफरेंस तो ना होने के बराबर है, यानी कि H1 H2 तकरीबन बराबर ही, और डेंसिटी उसने बताई हुई एयर की 1.29 kg/m³। P2 - P1, जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो V2 पे प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे P2 - P1, ये मालूम करना है। तो बर्नौली इक्वेशन लगा दें सिंपली, और उसमें H1 H2 को बराबर रख लें तो ये
रो जी एच वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये दो दो टर्म्स बच गई लेफ्ट और राइट पे, और पी वन आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी जो है आपके पास पी टू इधर आ गया, वैल्यू पुट कर दिया आपने रो की और वी वन की, रो की और वी टू की, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व करते हुए हमने पी टू माइनस पी वन फाइंड कर लिया, इसको इधर ले आए तो ये आ गया 221.88 पास्कल, यानी कि 22.1 किलो पास्कल। तो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6.6, लेकिन ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, अब स्मार्ट सिलेबस में इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। 6.7 शामिल है, तो 6.7 में कहता है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट, हीटिंग डक्ट का रेडियस कितना होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, जबकि उसमें से एयर जो मूव कर रही है वो 3.0 मीटर पर सेकंड से कर रही है, और वॉल्यूम जो है हर 15 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाता है एयर का, 300 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम बताया हुआ है, स्पीड बताई हुई है, टाइम बताया हुआ है, टाइम को आपने सिस्टम इंटरनेशनल में सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 60 से मल्टीप्लाई करो 900 सेकंड। रेडियस मालूम करना है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, वॉल्यूम पर सेकंड ए वी के बराबर होता है, फ्लो रेट हमने पढ़ा था फ्लो रेट ए वी के बराबर होता है, फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर सेकंड, वी ओवर टी वो ए वी के बराबर होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप वो पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे जी, आर स्क्वायर को अलग कर लेंगे, पाई वी को टी के साथ नीचे डिवाइड कर देंगे, वी ओवर टी इंटू पाई वी, और आर स्क्वायर इधर आ गया, वी की वैल्यू पुट कर दी, टी की पुट कर दी, पाई की और थ्री पुट कर दिया वी की जगह पे, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो आर आ गया, इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कर लें, 0.19 मीटर है तो 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.8 है, ये भी शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में तो हम इसको डिस्कस नहीं करते। 6.9 शामिल है, कहता व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन सिटी मेंस फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होस कनेक्टेड टू द मेंस टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर, कितना प्रेशर चाहिए कि स्ट्रीम जो है वाटर की फायर होल से उसको मेन के साथ कनेक्ट किया है और कितनी हाइट तक पानी जाए, 15 मीटर तक, जैसे आग बुझाने वाला जो आला है फायर होल उसे कहते हैं, आग बुझाने वाला पाइप है और पाइप से जो पानी की स्ट्रीम निकलती है वो 15 मीटर हाइट तक अगर जाए, मुझे बिल्डिंग में कहीं आग लगी तो 15 मीटर तक पहुंचाना है तो प्रेशर कितना होना चाहिए, तो डेंसिटी आपको पता है किलोग्राम 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, हाइट का डिफरेंस H1 - H2 लिख लो आप 15 मीटर है, P2 - P1 मालूम कर लो आप, डिफरेंस ऑफ प्रेशर मालूम कर लो तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर आपके पास आ जाएगा, V1 और V2 बराबर है, स्पीड कहता है एक जैसी रहेगी, ठीक है तो V1 V2 को बराबर रख लो, तो ये कैंसिल होगी टर्म, रोजी H1 रोजी H2 वाली बची है, P2 - P1 किया तो आपके पास जो आंसर आ गया, वैल्यू पुट कर दें आप 1000 9.8 15, तो ये आ गया 147 किलो पास्कल। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ एग्जांपल्स हैं, तीन एग्जांपल हैं इस चैप्टर में सिर्फ, पहली एग्जांपल मैंने वैसे डिस्कस की भी हुई है एक लेक्चर में, और ऐसे ही दूसरी एग्जांपल जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये पहली मैंने सिखाई हुई है आपको, ये वहाँ पर आप जाकर देख लें लेक्चर कोई था जिसमें हमने इसको डिस्कस किया था। सेकेंड एग्जाम्पल है अ वाटर होज with an internal diameter of 20 millimeter at the outlet discharges 30 kg of water in 60 second. Water बताया हुआ है, उसका mass बता दी 30 kg और time भी बता दिया 60 second और internal diameter भी बता दिया hose का pipe का जिसमें से पानी flow कर रहा है 20 millimeter है यानी कि 0.02 मीटर है, 1000 से डिवाइड करेंगे ना, रेडियस निकालना है तो डी को भी 2 से डिवाइड कर दो, 0.02 को 2 से डिवाइड कर 0.01 मीटर, डेंसिटी हमें पता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो कहता है स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड हम मालूम कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू हमें दी गई हैं, तो हमें हम फाइंड कर लेंगे मैस पर सेकेंड, मैस फ्लो पर सेकेंड, एम ओवर टी, एम 30 है
ओवर 60 किया टाइम तो 0.5 केजी पर सेकेंड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्केयर, तो एरिया भी आ गया यहाँ से, ये हमने लिख लिया। तो ए वी बराबर होता है फ्लो रेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ए वी बराबर फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। ए वी बराबर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम पर सेकेंड, और वॉल्यूम हमें पता है मैस ओवर डेंसिटी होता है, क्योंकि डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा एम ओवर डी या एम ओवर रो आप लिख लो डेंसिटी, तो मैस ओवर डेंसिटी। मैस पर सेकेंड को अलग कर लो, वन ओवर डेंसिटी, डेंसिटी आपने लिख ली, और साथ में क्या लिख लिया, एरिया लिख लिया। एरिया जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो वी बराबर आ गया मैस पर सेकेंड इंटू वन ओवर एरिया इंटू डेंसिटी, तो एम ओवर टी वन ओवर ए रो। वैल्यू पुट कर दो, एम ओवर टी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, रो की वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है 6.3, वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज्ड वर्टिकल फनल, द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो V1 बताइए 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड बनाने हैं तो 100 से डिवाइड कर दो, और फिर कहता है द फ्लो स्पीड एट द बॉटम इज ट्वाइस, बॉटम पे स्पीड डबल हो गई है, यानी कि V2 जो है वो V1 का डबल है, 2V1 है, तो 2 इंटू V1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.24 मीटर पर सेकंड। इफ द फनल इज 40 सेंटीमीटर, फनल जो है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ ऑफ फनल H1 माइनस H2, तो ये 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर हाइट ही आ गई ना, ये वर्टिकल फनल है ना, अपवर्ड है, तो अपवर्ड है पाइप, जस्ट लाइक पाइप आप कंसीडर कर लो, तो डिफरेंस ऑफ हाइट जो है H1 माइनस H2 आप 0.4 मीटर लिख लोगे या 40 सेंटीमीटर। एंड द प्रेशर जो है टॉप पे जो प्रेशर है P1 वो है 1.013 क्रॉस 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यह हमको ये जुबानी पता है। प्रेशर क्या होगा बॉटम पे, पी टू मालूम करो, तो बॉटम पे प्रेशर मालूम करना है, तो वही बर्नौली इक्वेशन सिंपली आप लगा देंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे, पी टू को अलग कर लेंगे, बाकी सारी टर्म अलग कर लेंगे, वैल्यूज आप पुट कर देंगे, स्लोली आप सॉल्व करते करते जो है यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि P2 जो है 1.05 क्रॉस 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज़।